और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शाहपुरा में, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ और एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। रोडवेज बस और ट्रेलर में ये भीषण टक्कर, आपको शाहपुरा से बता रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के पति पत्नी और बेटे इस भीषण टक्कर में मौत का शिकार हो गए। हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौत हुई है। दिल्ली निवासी बताई जा रही है, जिनका नाम है, पत्नी का नाम टीना अग्रवाल है, विजय अग्रवाल पति का नाम और बच्चे का नाम प्रीतम अग्रवाल के रूप में हुई है पहचान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शाहपुरा में भीषण सड़क हादसा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बस और ट्रेलर की, रोडवेज बस ये बताई जा रही है, राजस्थान परिवहन ये बस है, जहां पर ट्रेलर के साथ ये टक्कर हुई। 20 यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। एक ही परिवार की महिला समेत दो लोगों की मौत हुई है, यानी कि एक ही परिवार के हैं पति पत्नी और बच्चे, दिल्ली निवासी बताए जा रहे हैं, दिल्ली के रहने वाले थे। एक ही परिवार के तीन लोग इस भीषण टक्कर की मौत का शिकार हो गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रोडवेज बस और ट्रेलर की भीषण टक्कर में, शाहपुरा से बड़ी खबर है। 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। फिलहाल ये रात की तस्वीर है, जहाँ पर यात्री बस में सवार थे और जा रहे थे आराम से, लेकिन अचानक से ट्रेलर से ये रोडवेज बस टकरा गई और उस बीच जो सुकून से यात्री उस समय बेफिक्र होकर यात्रा कर रहे थे, वो अचानक से मुसीबत में पड़ गए, जिसमें भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत की खबर भी निकलकर सामने आई। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, दिल्ली के पूरा परिवार मौत का शिकार हो गया इस भीषण सड़क हादसे में, और 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब पुलिस पूरी कार्रवाई में जुट गई है। और चलिए आप जालौर की, पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने अपने ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया है, ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फरियाद लेकर वो कोतवाली पहुंची। मारपीट के आरोप को देखते हुए पुलिस ने पूर्व विधायक अमृता मेघवाल का राजकीय अस्पताल में मेडिकल परीक्षण भी करवाया। यही है पूर्व विधायक अमृता मेघवाल, जिनके साथ मारपीट हुई है, इन्होंने ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया है। कोतवाली जैसे ही पहुंची, मामला दर्ज करके सीधे इनका मेडिकल करवाया गया और ये हॉस्पिटल की सीधे तस्वीरें, जब इनका ब्लड प्रेशर और ये सब कुछ जांच की जा रही है। नब्ज फिलहाल अमृता मेघवाल ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए परेशान करने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने ससुराल पक्ष की शिकायत पुलिस से की है। ससुराल पक्ष ने भी पूर्व विधायक के खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज करवा दी है। दोनों शिकायतों को लेकर फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप लोग चुप हो जाइए, मैं सब जानती हूँ, आपको चुप हो जाइए, मैं बार बार कह रही हूँ चुप हो जाइए। उतने में चिंटू आता है, बड़ा किया है उसको, और कैलाश सोलंकी आता है, शिवलाल जी का बेटा, बहुत तेज मेरे इधर मारा उसने, बहुत परेशान किया है इन लोगों ने मुझे, हमेशा बहुत परेशान किया है, हमेशा के तेरे घर से ये लेके आ, तेरे घर पापा बहुत अमीर है, तेरे घर से मुझे ये चाहिए, करोड़ों रुपए मेरे पापा से ले लिए इन लोगों ने, करोड़ों, लाखों भी नहीं, करोड़ों रुपए ले लिए मेरे मम्मी पापा से। मैं नहीं बोल पा रही आपके सामने, प्लीज सॉरी। और अब बात, कांग्रेस ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को चीन के मसले पर घेरने की कोशिश की है। दरअसल कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कुछ सैटेलाइट तस्वीरों की मीडिया रिपोर्ट को पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चीन की हरकतों पर खामोश रहने का आरोप लगाया। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया गया है कि चीन लगातार पूर्वी लद्दाख में दखल दे रहा है और अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दावा यह किया गया कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास खुदाई करके चीन बंकर बना रहा है और सिर्फ जाप मिलिट्री बेस के पास अंडरग्राउंड बंकर के साथ ही बख्तरबंद वाहन तैयार किए गए हैं, गोला बारूद का स्टोर बना दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पैंगोंग झील का मसला आपको पता ही होगा, किस तरह से वहां पर चेक वन, चेक टू, चेक थ्री जो पॉइंट्स थे वहां को लेकर विवाद किया था, कई दौर की वार्ता की गई थी, उसके बाद वो मामला शांत हुआ था, लेकिन एक बार फिर से इसी बात को लेकर कांग्रेस ने टारगेट किया है सीधे केंद्र सरकार को और कहा है कि चीन जिस तरह से धीरे धीरे घुसकर पूर्वी लद्दाख में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पे भारत की तरफ से क्यों नहीं कोई रिएक्शन दिए जा रहे हैं। सच ये है, चाइना उस जमीन पर सुरंग या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है जिस जमीन को 1962 के अंदर पंडित नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको थाली पर परोस कर दी थी। और सच ये भी है कि आज से 10 साल पहले ए के एंथनी, जो कि
यूपीए के काल के अंदर रक्षा मंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम अपने तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं खड़ा करते को हमें डर लगता है कि चाइना उसका दुरुपयोग न कर ले। गलवान में हैंड टू हैंड फाइट में हमारे 20 जवान बलिदान हुए थे और चीन ने अपने एक भी मारे गए सैनिक तो छोड़िए, घायल सैनिक की भी सूची नहीं जारी की, जबकि इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा उनके करीब 55 से 60 लोग मारे गए और उस पर इनको भरोसा है। अफसोस ये है, मुझे लगता है चीन के साथ जो करार का प्यार है कांग्रेस पार्टी का, वो मोदी जी के विरुद्ध तकरार में बार बार उभर कर सामने आता है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां नीट पेपर लीक से जुड़ी यह बड़ी खबर है। दरअसल 38 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। इससे पहले केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है और वहीं केंद्र सरकार ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग का विरोध किया है। तो नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग का विरोध तो केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन 38 याचिकाएं जो दाखिल की गई हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। तमाम लाखों स्टूडेंट्स की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ रुक कर रही हैं। फिलहाल देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट रुक लेता है परीक्षा में गड़बड़ी और परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर। 38 याचिकाओं में फिर से सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाएगी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि दोबारा परीक्षा कराने की मांग का विरोध किया है, दोबारा परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर एक और है, जहां नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। दरअसल धनबाद से गिरफ्तार आरोपी बंटी से सीबीआई पूछताछ कर रही है। आरोपी बंटी को धनबाद से पटना लाकर पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में आरोपी बंटी ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। दरअसल बंटी के पास से पुलिस ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं और उनसे लगातार सीबीआई अब पूछताछ करेगी और उसी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन को और बारीकी से अंजाम देने के लिए अब ज्यादा सक्षम नजर आ रही है। तो सुप्रीम सुनवाई नीट में कितने और लीक अभी निकल कर सामने आएंगे, फिलहाल सीबीआई का बड़ा एक्शन। राज्य पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 22 जून से अब तक 5 राज्य बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से 33 आरोपियों को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें पटना मॉड्यूल में बिहार से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी मॉड्यूल से जुड़े झारखंड के अलग अलग जिलों से 8 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। वहीं गोधरा मॉड्यूल में गुजरात से परीक्षा में धांधली के आरोप में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लातूर मॉड्यूल में महाराष्ट्र से 2 शिक्षक और उत्तराखंड के मसूरी से लातूर मॉड्यूल के मास्टर माइंग गंगाधर को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पेपर लीक मामले में सीबीआई के रडार पर कई बड़े नाम है, जिन तक पहुँचने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। और अब बात मुंबई के वर्ली से बड़ी खबर की, जहां मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन केस का मामला सामने आया है। दरअसल बाइक सवार दंपति को गाड़ी ने उड़ा दिया। हादसे में घायल महिला की अस्पताल में मौत हो गई है। महिला का पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। एक नाशिंदे गुट के नेता राजेश शाह फिलहाल इस मसले में गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आरोपी मेहर शाह की, जिसने एक बाइक आगे चल रही बाइक पर सवार दंपति थे, जिसको हाई स्पीड के चक्कर में उनको उड़ा दिया और वहां से फरार भी हो गया था। राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह मामले का मुख्य आरोपी है। तो राजेश शाह को फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट के नेता है राजेश शाह और राजेश शाह के बेटे हैं मिहिर शाह। यही है मिहिर शाह जो राजेश शाह के बेटे हैं, जिन्होंने अपनी कंट्रोल खो दी गाड़ी पे और एक दंपत्ति को उड़ा दिया और इस एक्सीडेंट में महिला की मौत हो गई। पति गंभीर रूप से घायल है, इलाज जारी है। फिलहाल राजेश शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है एकनाथ शिंदे गुट के बताए जा रहे हैं और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे के गुट हमलावर भी महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं। पुणे के पोर्च कांड के खौफनाक हादसे को लोग भुला भी नहीं पाए थे कि महाराष्ट्र में एक और हिट एंड रन का मामला सामने आ गया। मुंबई के बल्ली इलाके में रविवार सुबह बीएमडब्ल्यू कार ने एक टू व्हीलर को टक्कर मार दी। हादसे में एक दंपत्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिसमें महिला की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल में भर्ती है। मुंबई की बल्ली पुलिस ने मामले पर एक्शन लेते हुए एकनाथ शिंदे गुट के नेता राजेश शाह को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि गाड़ी उनके नाम पर ही रजिस्टर है।
साथ ही पुलिस ने राजेश शाह के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो हादसे के वक्त राजेश शाह के बेटे और मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह के साथ गाड़ी में मौजूद था। पुलिस के मुताबिक आरोपी मिहिर शाह हादसे के वक्त जू इलाके में एक पब से पार्टी करके अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था, जो हादसे के बाद से फरार है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। और एक और बड़ी खबर मुंबई से ही है, जहां मुंबई में मूसलाधार बारिश जारी है। दरअसल मुंबई तो वैसे भी बारिश की वजह से ज्यादा फेमस भी है, लेकिन ये मूसलाधार बारिश लगातार मुंबई को सराबोर किए हुए है चारों तरफ पानी से। भारी बारिश की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी चल रही है और थम गई है। मुंबई में 15 से 20 मिनट देरी से मुंबई की ट्रेनें चल रही हैं, और वैसे भी मुंबई की लोकल ट्रेन और मुंबई की बारिश तो वैसे भी प्रसिद्ध है, और अब बारिश ने ट्रेनों की रफ्तार को धीमा कर दिया है। 15 से 20 मिनट की देरी से ट्रेनें चल रही हैं, तो यानी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ी खबर ये मुंबई से बता रहे थे, महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त इस भारी बारिश ने कर दिया है। क्या शहर क्या गाँव सभी जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ठाणे में मूसलाधार बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग में भारी बारिश की चेतावनी के बाद आज सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। और अब आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे। वो 6 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की होंगी, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, असम है। मूसलाधार बारिश का दौर यहां पर जारी है। उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं असम में बाढ़ ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है। असम में बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 66 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच की सराबोर है पानी से। महाराष्ट्र के ठाणे की तस्वीर, मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। असम के दरांग की, असम की वैसे भी बात करें तो बाढ़ के कहर हमेशा असम में देखे गए हैं। राजस्थान में जहां सूखा रेत सूखा पड़ा रहता है, लेकिन बारिश के समय में राजस्थान में भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। झारखंड के धनबाद की तस्वीरें देखिए, हॉस्पिटल परिसर की, जहां पर लोग हॉस्पिटल के अंदर भी मजबूर हैं पानी से वहां पर भी चलने को। और वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर की भी तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से झरनों से पानी गिर रहे हैं, यानी कि जो जल स्तर है वो लेवल बढ़ गया है। और बारिश का मौसम आते ही हर तरफ जल प्रलय की तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। क्या पहाड़ क्या मैदान, हर जगह पानी ने कब्जा कर रखा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से हड़कंप मचा है, तो मैदानी इलाकों में नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। तेज बारिश में और बाढ़ ने कितना कोहरा मचा है, इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। कहीं खिसकी जमीन, कहीं टूटे पहाड़, पानी का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार। मॉनसून आया, बाढ़ लाया। मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। क्या पहाड़ी राज्य क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है, तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे से पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जैम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेशुमार बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर गया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। ए!
सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था, पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि ये पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था, अब इसके टूटने से इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या हो गई। बारिश का मौसम पहाड़ पर रहने वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं, जहां जमीन खिसकने से पहाड़ चकनाचूर होते दिखाई दिए। इस भयानक मंजर के सामने आने के बाद आसपास रहने वाले लोगों के मन में खौफ भर गया, क्योंकि नैनीताल के कालागढ़ इलाके में जहां ये जमीन खिसकी है वहां सड़क बनाई जा रही है, और इस हादसे के बाद इस इलाके के कई गाँवों पर फिर से संकट मंडराने लगा। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। हर दिन खतरनाक तरीके से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा की धारा खौफनाक दिखने लगी है, पानी घाटों को डुबोने लगा है। हालत ऐसी हो गई कि सीढ़ियां दिखनी बंद हो गईं। गंगा नदी के इस प्रचंड रूप को देखकर लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जाने लगी है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया, तेज बहाव के कारण तैरने की संभावना है, तो सुरक्षित स्थानों में ही स्नान करें। ऋषिकेश में नदी के जलस्तर में प्रति घंटा 10 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो रही है, जिसके बाद नदी के किनारे एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। ऋषिकेश में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी तांडव कर रही है, वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। अलकनंदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का नतीजा यह है कि सारी नदियां उफान पर हैं। हालत ऐसी हो गई है कि रामनगर की कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन लगातार वहां से हटा रहा है। उधर पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है, वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी एक तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई। एक नहर में अचानक से पानी बढ़ने से सड़क ने सरेंडर कर दिया और थोड़ी ही देर में सड़क की जल समाधि हो गई, जिसके बाद नहर के दोनों इलाके एक दूसरे से कट गए। पहली बार चढ़ गया नहर आई है, और आने के बाद में ये बम्बा पहले रिसा और रिसने के बाद में यहाँ ये टूट गया, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। फिलहाल ये रोनी का खेत है, इसमें टूटी है। यहाँ आके देखा नहर के नीचे बम्बे लग रहे हैं, लोगों ने लगा रखे और वहाँ को पानी रिस कर अपना टूट गई नहर। इससे कई गाँव का रास्ता अवरुद्ध हो है, आप 10-12 गाँव पड़ते हैं रोड पे। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश का कहर माने या नगर निगम की लापरवाही, पूरा मोहल्ला टापू बना नजर आ रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते दिखाई दिए। लोगों के घरों में बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया है। सर नाव चलाते हैं यहाँ पे, अच्छा रोज सुबह आ जाते हैं फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। लोगों को सबको लेके आना लेके जाना सब छोड़ते हैं, खाने पीने का सामान, अच्छा बहुत दिक्कत होती है। अब लोगों का सामान भी लेके जा रहे हैं आप? जी सर। मतलब तो क्या घर खाली कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ हैं जो घर खाली कर चुके हैं अब तक। अच्छा। अब जो हैं उन्हें तो जिसका कुछ नहीं है, मतलब जो है किराया वैसे भी रहते हैं सभी, घर खाली कर रहे हैं ज्यादातर। जी सर। उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी भारी बारिश की जद में है। वहाँ के ठाणे जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। ठाणे के शाहपुर में लोगों के आशियानों में पानी भर गया, जिसके बाद पूरी जमी जमाई गृहस्थी बाढ़ की चपेट में आकर चौपट हो गए। ठाणे के शाहपुर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाते देखी। उधर नवी मुंबई में तेज बरसात के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। पनवेल में सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण पानी जमा होना शुरू हो गया है, जिसके बाद कई इलाके पानी की चपेट में आ गए। उधर पनवेल के कलमबोली इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। जबरदस्त जल भराव के चलते गाड़ियां फंस गई, पानी में कई कार और बसें फंसी हुई दिखाई दी।
और इधर उत्तराखंड में भी आसमान से बरस रही आफत ने काल का रूप ले लिया है। जहां पिथौरागढ़ में पहाड़ से मलबा गिरने से 45 यात्रियों की जान पर बनाई है, जिनका एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। वहीं चंपावत में उफान पर बह रही नदी के किनारे 24 लोग फंस गए हैं। मदद की गुहार लगाने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया। और अब बात नेपाल की कर लेते हैं। नेपाल में भी बाढ़ का कहर जारी है। कई जिलों में हालात बेहद डरावने हैं। बाढ़ की वजह से अब तक नेपाल में 70 लोगों की मौत की खबर आई है, जिनमें महज 2 दिन में ही बाढ़ की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई। कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया है, जिसकी वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। बिहार में भी सिलसिलेवार पुल गिरने की घटना पर राजनीति शुरू है। बिहार में 17 दिनों में 11 पुल ढह गए हैं, जिसके बाद सियासी पारा गरमाने लगा। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में लग गया है। इस बीच बीजेपी नेता और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पुल गिरने के लिए आरजेडी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके जवाब में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को चुनौती देते हुए पूछा कि उनके वक्त का कौन सा पुल गिरा है, उसका जरा डाटा दे। और अब खबर टोंक से है, जहां हाउसिंग बोर्ड के पंप हाउस में तकनीकी खराबी होने के चलते आज जलापूर्ति बाधित रहेगी। दरअसल जलापूर्ति वाली 4 मोटर के सॉफ्ट स्टार्टर पैनल में खराबी आई है, जिनमें से 1 पैनल को ठीक कराने के लिए जयपुर भेजा गया। इस दौरान लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पीएचईडी ने लोगों से वैकल्पिक इंतजाम रखने की अपील की है। इधर राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने के खेल का भंडाफोड़ करते हुए एसओजी ने एक निजी यूनिवर्सिटी के संस्थापक और दूसरी निजी विश्वविद्यालय के मालिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए दोनों शातिर 12 जुलाई तक रिमांड पर हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कि कैसे शातिराना हथकंडे अपनाने के बावजूद एसओजी ने इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया। फर्जी डिग्री बेचने वालों पर एसओजी का प्रहार। दो निजी विश्वविद्यालय के मालिक गिरफ्तार। कैसे शिकंजे में आए छात्र। फुल प्रूफ फर्जीवाड़ा कैसे हुआ तार तार। भर्ती परीक्षाओं में फर्जी डिग्री बेचकर अनाप शनाप कमाई करने वाले छात्र अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन लाख टके का सवाल ये कि होशियारी और सावधानी की नींव पर खड़ी इनकी पाप की लंका तक एसओजी पहुंच कैसे गई? इन शातिरों की चालाकी इन्हें गच्चा कैसे दे गई? साल 2013 में शुरू हुई थी यूनिवर्सिटी, 2022 से मिल रही थी शिकायतें। पुलिस के मुताबिक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संस्थापक जोगेंद्र सिंह ने राजस्थान से लेकर बिहार और उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों तक फर्जी डिग्री बेचने का जाल बिछा रखा है। जितेंद्र यादव ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहा था, बाद में उसने पार्टनरशिप में अलवर में सनराइज यूनिवर्सिटी खोली और पाटन में एमके यूनिवर्सिटी शुरू की, जबकि जोगेंद्र सिंह रोहतक में स्कूल भी चलाता है। जोगेंद्र ने बारा में और जितेंद्र ने बूंदी में एक एक नए विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी कर रखी है। इनके लिए दलालों का एक पूरा नेटवर्क काम करता है। डीआईजी परस देशमुख के मुताबिक पीटीआई भर्ती में 1300 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन में जानकारी दी कि उनके पास ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की बीपीएच की डिग्री है, जबकि इस विश्वविद्यालय में बीपीएच की महज 100 सीट है। 2016 से 20 ऐसे 5 कोर्सेज चले, तो मैक्सिमम भी इसके 500 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बीपीएड कोर्स इन्होंने वैलिड रूप से किया हो, परंतु जो नॉमिनेशन आए उसमें 1300 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म में अंकित किया कि हमने बीपीएड की डिग्री ओपीजे से की।
पुलिस के मुताबिक फर्जी डिग्री गिरोह से जुड़े बदमाश बिना डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को किसी भी परीक्षा में आवेदन करवा देते, फिर वो परीक्षा देता है या उसकी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास कराई जाती है। परीक्षा पास होने पर अभ्यर्थी को फर्जी डिग्री मुहैया करवाकर नौकरी लगवा दी जाती है। फर्जी खेल प्रमाण पत्र भी कराते थे मुहैया। डीआईजी परेश देशमुख ने बताया कि फर्जी डिग्री के साथ ही आरोपी फर्जी खेल प्रमाण पत्र भी मुहैया कराते थे। खेल प्रमाण पत्र के लिए किसी कॉलेज का स्टूडेंट होना जरूरी है। ऐसे में आरोपी फर्जी तरीके से अभ्यर्थी को अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला देते और उसके नाम पर खेल प्रमाण पत्र जारी करवा देते, बदले में मोटी रकम वसूलते थे। पुराना रिकॉर्ड मांगा तो बताया जल गया। फर्जी डिग्री गिरोह का खुलासा होने के बाद अब जांच के लिए एसओजी की टीम ओपीजीएस यूनिवर्सिटी पहुंची और पीटीआई की पुरानी डिग्रियों से संबंधित पुराना रिकॉर्ड मांगा तो यूनिवर्सिटी ने पुराना रिकॉर्ड जलने का बहाना बनाया। इन्होंने अपनी जालसाजी छुपाने के लिए वर्ष 2016 से 20 तक का रिकॉर्ड जलाना बता दिया। एक तरफ तो उन्होंने जलाना बताया और उसके बाद लगातार जो परीक्षाएं हो रही है जिसमें इनकी डिग्री लेकर कैंडिडेट जा रहे हैं उसको ये ट्रू या फॉल्स में वेरिफिकेशन का रिप्लाई भी उस संबंधित डिपार्टमेंट को कर रहे थे। जांच में ये भी सामने आया है कि ओपीजीएस यूनिवर्सिटी में 15 से अधिक कोर्स के संचालन का दावा किया जाता है जबकि इनके पास स्टाफ की संख्या में 27 है। इनमें से भी 8-9 लोग नॉन टीचिंग स्टाफ है। एक और विसंगति इसमें सामने ये आई है कि जब हमने इनका रिकॉर्ड देखा कि कितने टीचर्स एम्प्लॉयड हैं, तो जो सैलरी अकाउंट है वो मुश्किल से इसमें 27 या 28 लोगों का सैलरी अकाउंट है जिनमें से 8 या 10 नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो अगर हम सभी को टीचर एज्यूम भी करते हैं तो 20 टीचर में और ये कोर्सेज चला रहे हैं लगभग 17-18। एसओजी की पड़ताल में ये भी सामने आया है कि ये शातिर बदमाश फर्जी डिग्री के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी भी करते हैं। एक बार कोई सौदा तय होने के बाद ये अधिक रुपए के जवान करते और अधिक रुपए नहीं देने पर डिग्री नहीं देते थे। बहरहाल फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद एसओजी शिक्षा निदेशालय के साथ मीटिंग कर अहम तथ्यों से रूबरू कराया है ताकि फर्जी डिग्री बांटने के खेल को रोका जा सके। वहीं शिक्षा निदेशालय ने भी संदेह के घेरे में आए अभ्यर्थियों और यूनिवर्सिटी की ओर से जारी डिग्रियों की दोबारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा। और अब बात दौसा की कर लेते हैं जहां दौसा पुलिस ने हथियारों की नोक पर लूट करने वाली एक बड़ी गैंग को दबोचा है और गैंग को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बड़े शातिराना अंदाज से चोरी कर अपनी लोकेशन बदल लेते थे। जिले की स्पेशल टीम कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपियों के कब्जे से 2 देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस, लूटी हुई 4 बाइकें, 7 मोबाइल और जेवर भी बरामद किया है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने कुल 15 वारदात करना कबूल की है। एक कंप्लेंट आई जिसमें कि हथियार दिखाकर लूटकर घटनाक्रम सामने उजागर किया गया। जब इसको खंगाला गया, छानबीन की गई टीम के द्वारा, तो ये सामने आया कि ये संभावित किसी गैंग द्वारा बड़े ही संगठित तरीके से कारित की गई है। और अब बात श्रीगंगानगर की कर लेते हैं जहां श्रीगंगानगर के रिड़मसल उप तहसील में किसान भूख हड़ताल जारी है। वहीं मामले में किसान संगठन के नेताओं का कहना है कि 13 मई को बिंछिया बायला में हुई समझौते को लेकर जिला प्रशासन और बैंक प्रबंधन ने महज खानापूर्ति करते हुए वादाखिलाफी की। आक्रोशित किसान नेताओं ने कहा कि कल पंजाब एंड सिंध बैंक शाखा बिंछिया बायला का घेराव किया जाएगा। और साथ ही किसानों ने आरोप ये भी लगाया कि जिला प्रशासन ने महज जांच कमेटी गठित की है। उप तहसील रिड़मसल के सामने जहां डीआरटी द्वारा और उसका परिवार पिछली 10 जून से उप तहसील रिड़मसल पे धरना लगा के बैठा है। 1 जुलाई से किसान रामरख ने भूख हड़ताल शुरू की थी। आज 6 दिन है, प्रशासन का कोई नुमाइंदा रामरख। और इन तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल अभी लेते हैं और आगे जरूर देखिए गोरबंद।